हेलो दोस्तों, मिंत्रा रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नींबू पानी, जो बहुत चटपटा बनेगा और ठंडा ठंडा। जब भी आपका कुछ ठंडा पीने का मन हो तो नींबू पानी घर पर ज़रूर बनाइए, झटपट तरीके से और बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। केवल नींबू और पुदीना अगर आपके पास है तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप बाहर से आए हैं धूप से तो नींबू पानी ज़रूर बनाइए घर पर। एक गिलास नींबू पानी आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगा, आपके बच्चों को भी और आपको भी। सबसे पहले हम नींबू पानी बनाने के लिए नींबू लेंगे और उन्हें अच्छे से थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। ऐसा करने से उसमें रस अच्छे से निकल आता है और पूरा रस निकल जाता है। ऐसे हम उन्हें थोड़ा सा दबा करके सॉफ्ट कर लेंगे नींबू को। अब हम नींबू को काट लेंगे, पूरी नींबू को काट करके रख लेंगे और उनका रस निकाल लेंगे। अब आपको बाज़ार से नींबू पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बना लीजिए। अब हम नींबू का रस निचोड़ लेंगे गिलास में। आपके घर में जितने सदस्य हैं उतना ही नींबू पानी बना लीजिए। केवल 5 मिनट में आपका नींबू पानी बन जाएगा। अब हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे, जिससे हमारा नींबू पानी अच्छा ठंडा ठंडा बने। काला नमक डाल देंगे, कोई बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के ही मसालों से बना लीजिए। ये हमारा नमक है। और इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर है। काली मिर्च कुटी हुई, चीनी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती को हमने तोड़ करके ठंडे पानी में डाल दी थी। इन्हें हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा क्रश करेंगे। और पत्तियों को गिलास में डाल देंगे। पुदीना की पत्ती डालने से अच्छा टेस्ट आता है और ठंडा ठंडा होता है। गर्मी में आपको गर्मी से भी बचाएगा और लू लगने से भी बचाएगा। अब हम ठंडा पानी डाल देंगे। हमारा नींबू पानी बनकर तैयार हो गया है। अब नींबू से ही हम गिलास सजा देंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।